बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आज के इस वीडियो में मैं फ़ोटो फ़्रेम बना रही हूँ घर में बैठे आप कितनी आसानी से फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं यूज़लेस चीज़ों से के ज़रिए और उसमें उसके लिए सबसे पहले मैंने यू एच यू लिए हैं और एक ए, स्केल लिया है पेन लिया है और मैंने एक इसके अलावा मैंने सीज़र लिए अब मैंने ये पेंटिंग मैंने करी थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं ये कार्डबोर्ड लिया है मैंने और ये अपनी पेंटिंग का साइज़ पेंटिंग इस कार्डबोर्ड पे रख कर पेन से ड्रॉ कर रही हूँ इसका पूरा साइज लेंथ और विड्थ ड्रा कर रही हूँ जो मैंने इसकी लेंथ और ब्रथ ली है उसके बाद मैं टू टू इंच के फ़ासले से एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आपको जितना बड़ा फ़ोटो फ्रेम बनाना हो आप पहले फ़ोटो को या तस्वीर को रखें आप पिक्चर को वहाँ और उतनी ही साइज़ लेकर आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही उतने ही साइज़ लेकर आप लोग ड्रॉ करें पेन से उसका साइज़ कार्डबोर्ड पे लें और फिर टू टू इंच के फासले एक और लाइन दो एक एक एक, एक लाइन और बनाए ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूं ये पूरा टू इंच मैंने लिया है अब मैंने सीज़र लिए और सीज़र से मैं जो दूसरी लाइन ड्रॉ करी थी टू इंच के फ़ासले से उधर से कटिंग करूँगी यहाँ से पूरी मैं इसके चारों कोनों से इसको कट कर लूँगी सीज़र से जब ये मेरी पूरी कटिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी शेप कैसी आई है मेरी ये कार्डबोर्ड की पूरी कटिंग हो गई है अब मैं एक और ऐसी ही साइज़ का कार्डबोर्ड कटिंग करूँगी सेम यही साइज़ लूँगी और इसी साइज़ के पहले पेन से मैं फिर से इसी का साइज़ लेकर ड्रॉ करूँगी और इस फिर मैं इसको कटिंग कर लूँगी उस कार्डबोर्ड को भी अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करा करें मेरी वीडियो को लाइक करा करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करा करें मुझे सपोर्ट करा करें या यूज़लेस प्रोडक्ट से आप घर में बैठे आसानी फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं मैंने कोई भी चीज़ ख़रीदी नहीं है घर में पड़ी हुई थी जो जो चीज़ें बेकार चीज़ें पड़ी हुई थी वो उन सब से मैंने मिला जुला कर ये फ़ोटो फ्रेम पूरा बनाया है कोई चीज़ इसके लिए मैंने बाय नहीं करी बस जो पड़ी हुई थी वही सब चीज़ें यूज़ करी हैं मैंने यहाँ पर मैंने उसका साइज़ लेकर ड्रा कर रही हूँ उसके स्केल से और पेन से उसी का साइज़ पूरा जब ये पूरा मेरा ड्रा हो जाएगा तो मैं सीजर से कट कर दूँगी उसका पूरा साइज़ अब मैंने यहाँ पे इस कार्डबोर्ड पे दो दो इंच के फासले पे जो चारों तरफ लाइन्स ड्रॉ करी थी उसके जो एक और लाइन है एक लाइन पे तो हमने कटिंग करके पूरा है उतनी लेंथ और वेथ काट दी थी लेकिन अब जो जो दूसरी लाइन जो दो इंच के फासिले पे ये भी मैं इसको सीजर से कट कर लूँगी आप लोग देखिएगा इसको दरमियान में से मैं कटिंग कर लूँगी और नीचे वाला ये कार्डबोर्ड भी कटिंग कर लूँगी इसके साइज़ का वो पूरा ऐसे ही रहेगा उसमें कोई दो इंच का फासला नहीं रखूँगी और ये फिर ये ऊपर वाला फ्रेम होगा तो इसके दरमियान से ये मैं बता रही हूँ कि कटिंग कर कर रही हूँ मैं ये सीजर से यहाँ से देखें मैं ये कटिंग कर रही हूँ इसके दरमियान के हिस्से से थोड़ा सा आप उसको कार्डबोर्ड को फोल्ड करें और हल्का सा एक छोटा सा कट लगा दें उस हिस्से में और फिर उसी छोटे से कट के से लेते हुए आप चारों तरफ में उसको कटिंग कर लें बहुत आसानी से ये कट हो जाएगा कोई मुश्किल नहीं होगी ये पूरी मेरी हिमाचल से देखें चारों तरफ से कटिंग हो गई है फ्रेम की अब ये नीचे का और ऊपर का फ्रेम बन गया है और अब मैंने ये दो छोटे छोटे भी पीस कटिंग करे हैं इसकी लेंथ और विड्थ के साइज के लिहाज से इसकी लेंथ और विथ के साइज़ के लिहाज से मैंने ये ऐसे ही करके मैं अब इसको पेस्ट कर दूँगी यूएच यू के ज़रिए ताकि जब मैं इसमें कोई भी फोटो लगाऊँ या पेंटिंग लगाऊँ तो वो निकले ना मूव ना करे अपनी जगह से और वो सेटल रहे और सही रहे यहाँ पे मैंने यू एच यू से ये पेस्ट कर रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने फ्रेम सा कटिंग करा है ये कर ये करके अच्छा एक साइड पे मैं नहीं लगा रही तीन हिस्सों में मैंने लगाया है और एक साइड पे नहीं लगाया क्योंकि उस क्योंकि उस, उस तरफ से मैं जो अपनी पेंटिंग है वो डालूँगी फ्रेम के अंदर डालूँगी सेट करूँगी और यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर से इसको पूरे फ्रेम को यू एच यू लगा रही हूँ ताकि ये यहाँ पे यू एच यू से पेस्ट कर दूँगी इस फ्रेम के ऊपर का हिस्सा और एक साइड से मैं खुला रहने दूँगी और उस साइड से मैं अंदर अपनी पेंटिंग लगाऊँगी यहाँ पर मैं इस फ्रेम को पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे मेरा फ्रेम बिल्कुल तकरीबन रेडी है लेकिन अब ये क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा था इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने मेरे पास ग्लीटर शीट रखी हुई थी मैं इस ग्लीटर शीट को मैं इसी की उसकी लेंथ और वेट काटूँगी मैं कटिंग करूँगी और फिर इसको पेस्ट कर दूँगी इसके फ्रेम के ऊपर ये मैंने यहाँ से इस स्केल लिया है और पेन लिया है और इससे मैं इसकी पूरी लेंथ और विथ काट कर कटिंग करूँगी और साइज़ लेकर और मैं फिर ये ग्लिटर शीट को इसके फ्रेम के चारों तरफ पेस्ट कर दूँगी ताकि इसमें ब्यूटीफुल लगे और ख़ूबसूरती आए और ये मैं चार ये चार जो है वो काटूँगी एक ही साइज़ के ये चार मैंने काटे हैं और फिर उनको जब मैं पेस्ट करूँगी तो फिर उसके लिहाज से सेट कर दूँगी फ्रेम के ऊपर सेट कर दूँगी इस लिहाज से एक लीटर शीट भी मेरे पास घर में मौजूद थी सब रखा हुआ था अब यहाँ पे मैं इस इसके ऊपर मैं जो एच यू लगा रही हूँ और इसको मैं अब पेस्ट कर दूँगी फ्रेम के ऊपर इस ग्लीटर शीट की इस ग्लीटर शीट की स्ट्रिप्स को मैं पेस्ट कर दूँगी इस फ्रेम पे यहाँ पे जो ग्लिटर शीट थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी फोटो फ्रेम के साइज़ से थोड़ी बड़ी थी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ सीजर से ताकि नीटनेस आए मेरे फ्रेम में और ब्यूटीफुल लगे तकरीबन अब मेरा फ्रेम बिल्कुल तैयार है मेरे पास पर्ल्स के बीट्स रखे हुए थे वो मैंने पर्ल्स के बीट्स जो हैं वो मैंने इस पर यू एच यू के ज़रिए चिपका दिए पेस्ट कर दिए देखें कितना कितना प्यारा लग रहा है मेरा फ्रेम लास्ट में मैं इसमें आपको पेंटिंग भी डालकर दिखाऊंगी कि किस तरीके कैसा लग रहा है पेंटिंग में एक साइड पर जो मैंने खुला छोड़ा था उधर से मैंने पेंटिंग डाल रही हूँ और ये देखिए मेरा फ्रेम देखिए यहाँ पे मैंने एक और फ्रेम बनाया था उस वो भी ग्लिटर शीट उसमें मैंने सिंपल ग्लीट ग्लीटर शीट ही लगाई थी और मैंने बिल्कुल कोई पल के मोती तो इस, इसमें लगाएं उसमें बिल्कुल वो सिंपल था वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दोनों फ़ोटो फ्रेम मैंने बनाए थे कैसा लग रहा है मुझे अपनी दोआा में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़